गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज जब हम बात करेंगे जो हम हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें लर्निंग है, तो आज जब लर्निंग कर रहे हैं हम वो अपन कर रहे हैं फोकस हो गया, साउंड हैप्टिक हो गया, नोटिफिकेशन हो गया। आज जो है स्क्रीन टाइमिंग, स्क्रीन टाइमिंग बहुत अच्छा है। जैसे कभी भी आप फैमिली में किसी को फ़ोन देते हो या अपने बच्चों को या भी व्हाटएवर किसी को भी, तो आप देख सकते हो कि उन्होंने कितने टाइम में फ़ोन यूज़ किया है। तो स्क्रीन टाइम यूज़ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो उसको। इवन आप किसी को, दिस इज माई आईफोन, ठीक है, किसी का भी फ़ोन देख सकते हो या आपने कितने टाइमिंग में उसको यूज़ किया है। पूरा दिन करते रहते हो, पढ़ाई नहीं करते या फिर जो भी पर्सनल लाइफ के काम है वो आप नहीं करते, तो फिर आप अपने आपको कंट्रोल कर सकते हो फ़ोन को ज़्यादा यूज़ ना करने से। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी टाइमिंग एवरेज इस पर बिताते हो तो उस पर्सनल टाइमिंग में आप बहुत सारे काम कर सकते हो। आप वर्कआउट कर सकते हो, आप घर के कुछ काम, इंपॉर्टेंट काम कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ों पर होमवर्क कर सकते हो जो आपने अभी तक नहीं किया है। तो स्क्रीन टाइमिंग आपको डिसाइड कर देगा, बता देगा कि आप बहुत ज़्यादा टाइमिंग यूज़ कर रहे हो तो मत करो। तो ये तो है इसका ग्राफ, जब जब आप यूज़ करोगे तो आप संडे को कितना किया, मंडे को कितना किया, ये पूरा ग्राफ बता देगा। देखो 1 hour 2 hours ये सारा लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मेरा फ़ोन का नाम भी आ रहा है नेट से, तो ये सारा लिखा हुआ है। डाउन टाइम में स्केड्यूल बता देगा आपको, टर्न ऑन कर सकते हो आप इसको, ठीक है। और ऐप्स की कितनी लिमिट चाहिए आपको वो कर सकते हो, कम्युनिकेशन लिमिट चाहिए, ऑलवेज अलाउड चाहिए, कंटेंट एंड प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शन चाहिए, तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। तो ये वाला तो बहुत अच्छा है। और इवन इस पे है ना, स्क्रीन टाइमिंग पे पासवर्ड भी लगा सकते हो, तो गुड है कि आपके अलावा आपकी जो सच्चाई है वो सिर्फ आपको पता हो और किसी को ना पता हो। और सेटअप टाइम जो भी, अगर जैसे फैमिली में सपोज़ आपके किसी बेबी को देना है फ़ोन या बेबी के पास फ़ोन है, तो ये वाली जो शेयरिंग है रिपोर्ट आपको डायरेक्ट उसमें भी भेज सकते हो। ये स्कूल रिपोर्टिंग हो गई, जैसे आपका बच्चा कितना पढ़ता है से लेकर आपका बच्चा कितना फ़ोन यूज़ करता है, आईफोन यूज़ करता है ना, तो उसकी सारी रिकॉर्डिंग आप उन्हें कन्विंस कर सकते हो कि आप जो इतना टाइमिंग यहाँ पर वेस्ट कर रहे हो आप किसी दूसरे टॉपिक्स को लर्निंग करने का सोचो। यूट्यूब पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ पर जाके सीखो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम की है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में 24 आवर्स ही होते हैं और आजकल सबसे ज्यादा हम लोग इसी फोन पे ही टाइम बिता देते हैं। रील्स हो गया, मौज हो गया, जो भी सोशल मीडिया ऐप है, हर चीज़ का एक टाइमिंग होना चाहिए। उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग करें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो उस टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए, इवन आप खुद हो, फैमिली में कोई और हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अपन यहाँ से स्क्रीन टाइमिंग ऑन कर सकते हैं। तो ये टर्न ऑफ भी कर सकते हो अगर आपको नहीं चाहिए। और एक 1 week तक का एक सिनेरियो लेके देख लो कि आपका क्या है स्टेटस, और अगर आपको लगता है कि उस पर इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए तो प्लीज़ करो। थैंक यू सो मच ये ब्लॉग देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और ऐसे ही फॉलो करो, शेयर करो। और इसके अलावा आप से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू, और साइनिंग ऑफ। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय।